my dear students, good morning all of you. और स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल English by DS में. आज मैं आपके सामने English के बहुत ही basic concept की बात करने वाला हूँ, जिसका नाम है sentence. तो भाई sentence को बताने से पहले मैं सेंटेंस में मौजूद जितने भी छोटे छोटे चीजें हैं मैं उनके बारे में बताना पसंद करूंगा. तो सबसे पहले देखिएगा जरा गौर से कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ. आइडेंटिफिकेशन. तो हेडलाइन से तो आप लोगों ने समझ ही लिया होगा कि आइडेंटिफिकेशन मतलब जरूर कुछ आइडेंटिटी करने वाली चीजें हैं. अब आइडेंटिटी की अगर बात आ रही हो तो किसकी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी आपकी किसकी? तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. मेरे प्यारे ये रही आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेडिकेट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ब एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट. तो बात करते हैं एक एक करके. सबसे पहला पॉइंट है हमारा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में कि आखिर ये सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स होते क्या हैं. तो देखिए मैं बताना चाहूंगा, सब्जेक्ट एक ही सेंटेंस में दोनों अवेलेबल होते हैं, एक ही सेंटेंस में दोनों अवेलेबल होते हैं. सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट्स भी होता है, लेकिन होते कैसे हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं हम आपके सामने. जैसे मैं एक सेंटेंस लिखा कि राम इज अ गुड बॉय. राम इज अ गुड बॉय मतलब राम एक अच्छा लड़का है. राम इज अ गुड बॉय. अब जरा देखिए तो यहाँ पे कि गुड बॉय चर्चा किसकी की जा रही है, मेरे दोस्त गुड बॉय की. और ये गुड बॉय है कौन? तो वो है राम. तो जरा सोचिए कि यहाँ पे जिसकी चर्चा की जा रही है और जिसके बारे में बात की जा रही है, ओके, जिसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है वो बंदा कोई और नहीं बल्कि राम है. तो राम यहाँ पे हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट. ओके, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया वो हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट. एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस मतलब सेंटेंस के जो बचे हुए पार्ट्स है, जो सेंटेंस के बचे हुए पार्ट्स है, जैसे कि इज अ गुड बॉय, इज अ गुड बॉय, यहां से जो हमारा सेंटेंस बच गया, सेंटेंस के जो रिमेनिंग पार्ट थे किसको छोड़कर, तो सब्जेक्ट को छोड़कर. द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस एक्सेप्ट राम इज कॉल्ड प्रेडिकेट्स मतलब राम की जगह पर हम लोग क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे. कि सेंटेंस के रिमेनिंग पार्ट किसको छोड़कर? तो सब्जेक्ट को छोड़कर जो बच जाता है वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट्स. अब यहाँ पे आप क्लियर हो चुका होगा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट्स क्या होते हैं. तो देखिए हम कह सकते हैं कि सर जिसकी चर्चा की जा रही हो सिर्फ वही सब्जेक्ट होगा. भाई मेरे ये गलना यहीं तक थोड़ी ना समाप्त होने वाला है. सब्जेक्ट जिसके बारे में डिस्कस किया, डिस्कस तो जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया वो तो सब्जेक्ट हुआ ही हुआ. तो सर एक तो हम लोगों ने ये समझा कि जिसके बारे में डिस्कस करते हैं वो भी सब्जेक्ट कहलाता है. जो कोई काम को करता है मीन्स डूअर ऑफ समथिंग, डूअर ऑफ समथिंग, डूअर का मतलब होता है काम को करने वाला. अब जरा सोचिए कि डूअर ऑफ समथिंग अपने आप में क्या होगा? तो डूअर ऑफ समथिंग किसी काम को करने वाला, जनरली ऐसे ही समझिए ना कि डूअर किसी भी काम को करने वाला वो क्या कहलाएगा? वो भी कहलाएगा सब्जेक्ट. अब देखिए यहाँ पे बात कर रहा है डूअर की, तो कुछ करेगा, क्या करेगा भाई? जैसे मैं बोलूं कि राम इज लाफिंग, राम इज लाफिंग, राम क्या कर रहा है? तो हंस रहा है. राम क्या कर रहा है? हंस रहा है. तो यहाँ पे जो हो रहा है वो काम कौन कर रहा है, मीन्स हंसने का काम कौन कर रहा है? हु इज लाफिंग. तो जो हु का आंसर कर दे, मीन्स हु का जो आंसर कर दे वही क्या कहलाएगा?
सब्जेक्ट कहलाएगा। तो यहाँ पे आपको बातें समझ में आई कि सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है भाई, तो राम है। और जो बच गए इज और लॉफिंग, ये जो दोनों बच गए वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे आपके प्रेडिकेट्स। बात समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो हु को सेटिस्फाई कर रहा है, हु का जो आंसर कर रहा है वो क्या कहलाएगा, सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाएगा। और ये जो लॉफिंग और इज जो बच गया, ये जो दोनों बच गए भाई साहब, ये क्या कहलाएंगे, तो ये कहलाएंगे हमारे प्रेडिकेट। बात पल्ले पड़ा, तो जल्दी को यहीं से समाप्त ना करते हैं मेरे दोस्त, यहाँ से थोड़ा सा ही रेज करते हैं और उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे वर्ब एंड ऑब्जेक्ट की। तो इसको मैं रेज करता हूँ, आप लोग हो सके तो पेन और नोटबुक लेकर बैठे और नहीं तो एक स्क्रीन शॉट लेके चले, काम बन जाएगा आपका। तो चलिए मैं इसको समाप्त करता हूँ और जरा गौर से सुनिएगा कि ये वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो जरा गौर से सुनिएगा कि वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। मैं एक एक कर वर्ब के बारे में और ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए यहाँ पे देखते हैं वर्ब, पॉइंट है हमारा वर्ब। जरा गौर से सुनिए कि सर वर्ब होता क्या है। वर्ब का मतलब होता है जनरली भाषा में हम लोग बोलते हैं हिंदी में भी इसको बोला जाता है क्रिया। क्रिया मतलब किसी काम को किया जाता है। अब जो सब्जेक्ट काम कर रहा था, सब्जेक्ट जिस काम को कर रहा था वही काम, सब्जेक्ट जिस काम को कर रहा था वो काम क्या कहलाएगा, क्रिया कहलाएगा। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट जिस किसी काम को करता है, जिस किसी काम को करता है वो क्या कहलाएगा अपने आप में, तो वो कहलाता है क्रिया, मीन वर्ब। अब जरा सोचने वाली बात है कि सर ऐसा कौन सा काम है जो सब्जेक्ट करेगा। तो भाई साहब दुनिया के जितने भी टाइप्स के काम हैं, दुनिया में जितने भी टाइप्स के काम हैं वो कौन कर सकता है, सब्जेक्ट कर सकता है। तो भाई साहब वो काम क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। जैसे मैं बोलूं कि सब्जेक्ट किसी भी नाम को ले लो, मैं बोलूं राम, राम पढ़ रहा है, राम इज रीडिंग, राम क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। तो काम क्या हो रहा है, पढ़ने का। तो अपने आप में रीडिंग क्या होगा, वर्ब। ओके, और यहाँ पे ये क्या हुआ सर, राम क्या हुआ, ये हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट। अब ये क्या हुआ सर, तो देखिए प्रेडिकेट्स में दो अलग अलग पार्ट्स बन रहे हैं सर, दो अलग अलग पार्ट्स बन रहे हैं। क्या कि प्रेडिकेट्स की अगर बात करते हैं, सेंटेंस तो सीख लिया हम लोगों ने, प्रेडिकेट्स की अगर बात करते हैं तो प्रेडिकेट्स में हमारे क्या होते हैं, प्रेडिकेट्स में हमारे वर्ब होते हैं, प्रेडिकेट्स में हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं। अब देखिए कभी कभी पंगा यहाँ भी हो जाता है कि सर ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। फिलहाल अब ये समझे कि देखिए एक था सब्जेक्ट और एक था प्रेडिकेट। सब्जेक्ट तो पता चल गया, ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसे क्या कहेंगे, प्रेडिकेट्स। और प्रेडिकेट्स कितने भाग में डिवाइड हुआ, एक वर्ब और दूसरा ऑब्जेक्ट। इसमें तो ऑब्जेक्ट है नहीं लेकिन वर्ब तो है ना मेरे दोस्त। अब वर्ब है तो देखिए ये वर्ब क्या कर रहा है, राम कर क्या रहा है, राम पढ़ने का काम कर रहा है। और जो काम हो रहा है पढ़ने का वही क्या कहलाएगा, तो वही कहलाएगा हमारा वर्ब। यहाँ पे एक बात पल्ले पड़ा है आपको कि भाई साहब ये वर्ब होता क्या है, तो वर्ब जिस किसी काम को किया जाता सेंटेंस में, जो काम होता है वही कहलाता है हमारा वर्ब। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं, डेफिनेशन क्या होगा भाई साहब, व्हाट इज गोइंग ऑन, what is going on in the sentence, what is going on in the sentence, sentence में जो हो रहा है वही क्या कहलाएगा हमारा, verb कहलाएगा। तो चलिए ये थी बातें verb की, इसके भी बहुत सारे areas है, बहुत सारे, बहुत बड़ा topic है ये, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग उनके बारे में चर्चा नहीं करने वाले हैं, हम भी चर्चा करने वाले हैं फिलहाल ऑब्जेक्ट की। तो चलिए ऑब्जेक्ट के बारे में सुनते हैं सर, यहाँ के लिए ऑब्जेक्ट होता क्या है। ओके, ऑब्जेक्ट देखिए जनरल वे में अगर मैं बोलूं कि राम इज रीडिंग अ बुक, राम क्या कर रहा है, एक किताब पढ़ रहा है। व्हाट इज राम डूइंग, व्हाट इज राम रीडिंग, राम क्या कर रहा है, राम क्या पढ़ रहा है, तो राम एक किताब पढ़ रहा है। ओके, व्हाट इज राम डूइंग,
Ram is reading what? Ram is reading what? Means Ram क्या पढ़ रहा है? तो किताब पढ़ रहा है. What का जो आंसर आया ना हमारे पास, वो किसका आंसर था? ऑब्जेक्ट का आंसर था. तो आप लोगों ने सीखा कि राम इज रीडिंग अ बुक. राम क्या कर रहा है? तो एक किताब पढ़ रहा है. राम इज रीडिंग. राम इज रीडिंग व्हाट? राम इज रीडिंग व्हाट? तो आप जरा गौर कीजिए कि व्हाट का जो आंसर कर दे वो हमारा क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा हमारा ऑब्जेक्ट. बात पल्ले पड़ा. तो चलिए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या हो सकता है? तो भाई साहब बोल सकते हैं ऐसे कि द वर्ड विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाई सब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट. अब देखिए मैं बोला क्या कि द वर्ड विच इज influenced by subject. मतलब जिसका इम्पैक्ट, सब्जेक्ट का इम्पैक्ट जिसके ऊपर पड़ता है, सब्जेक्ट के द्वारा जो प्रभावित होता है वही हमारा क्या कहलाता है? इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट. आप लोगों ने देखा द वर्ड विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाई सब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट. मीन सब्जेक्ट से जो प्रभावित हो जाए, इन्फ्लुएंस्ड हो जाए, ओके, जिसके ऊपर इसका प्रभाव पड़े वो क्या कहलाएगा हमारा? वो कहलाएगा हमारा ऑब्जेक्ट. तो भाई साहब आपको ये बात पता चला कि सेंटेंस में आपको क्या क्या मिलने वाले हैं? मिलने वाले हैं सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. अब जरा सोचते हैं कि सर सेंटेंस का फॉर्मेशन किस टाइप का होता है? हम लोगों ने इतना सीख लिया कि भाई एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है. अब इतना जब सीख लिया तो ये भी सीख लेते हैं कि सेंटेंस का आखिर फॉर्मेशन किस टाइप का होता है. सेंटेंस का फॉर्मेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस. चलिए देखते हैं फॉर्मेशन मीन्स बनाना, किस तरह से हम लोग सेंटेंस बनाते. देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा? सेंटेंस का सब्जेक्ट. अब जरा गौर कीजिए सर कि सेंटेंस का सब्जेक्ट कहाँ है? सबसे पहले. दूसरा कि उसके बाद क्या आने वाला है? उसके बाद में आने वाला है प्रेडिकेट. उसके बाद में आने वाला है प्रेडिकेट. अगर हम यहाँ पे प्रेडिकेट्स लिखते हैं तो प्रेडिकेट्स में कौन कौन आएंगे भाई? प्रेडिकेट्स में आएंगे वर्ब, प्रेडिकेट्स में आएंगे ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे हम लोग प्रेडिकेट्स को ना लिखकर लिखते हैं वर्ब, और क्या लिखेंगे? और लिखते हैं ऑब्जेक्ट. मतलब कि सेंटेंस कुछ इस फॉर्मेशन पे काम करने वाला है. सेंटेंस का फंडा ये होता है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. इसी फंडा पे पूरा का पूरा सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है. आपको भी अगर किसी भी प्रकार का सेंटेंस ट्रांसलेट करना हो तो सबसे पहले सोचें कि सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, उसके बाद उसका वर्ब क्या है, और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट क्या है. हो सकता है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो सकता है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो, तो पैसा फिर भी रहेगा क्या? एक सेंटेंस का सब्जेक्ट और एक सेंटेंस का वर्ब. तो हम लोगों ने देखा कि वर्ब के आगे मीन्स वर्ब से पहले आपको क्या मिल रहा है? सेंटेंस का सब्जेक्ट. वर्ब के बाद में आपको क्या मिल रहा है? तो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट. चलिए हम लोग कोई नाम लिखते हैं. अब अगर हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट किस टाइप में हो सकते हैं? तो भाई साहब सब्जेक्ट अपने आप में हो सकते हैं नाउन, सब्जेक्ट अपने आप में हो सकते हैं प्रोनाउन, सब्जेक्ट अपने आप में हो सकते हैं नॉन फ्रेज. अब यहाँ पे तीन चीजें मिली हम लोगों को, एक नॉन, प्रोनाउन और एक नॉन फ्रेज. तीन चीजें. अब ये नॉन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, नॉन फ्रेज क्या होता है, ये होता है ना नॉन इक्विवेलेंट. तो भाई साहब इसकी बात अभी हम लोग नहीं कर रहे, इसकी गलत ना करने वाले हैं हम लोग. फिलहाल बातें करते हैं सब्जेक्ट की. तो सब्जेक्ट जो किसी भी प्रकार के काम को करता हो, किसी भी प्रकार के काम को करता हो सब्जेक्ट कहलाएगा. अब जरा सोचिए सब्जेक्ट
और उसके बाद verb, और उसके बाद आएगा हमारा object. तो भाई साहब subject में हमने लिखा I. I के अकॉर्डिंग verb लिखी. अब जब सोचिए I के अकॉर्डिंग verb आएगा, उसी के अकॉर्डिंग तो ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता ना, तो ऑब्जेक्ट अपनी मर्जी से भी आएगा. चलिए बातें करते आर एम टीचिंग. आर एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्या, इंग्लिश. आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ. तो यहाँ पे आई क्या हुआ हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट, क्यों, क्योंकि पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, आई, मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ. और आप क्या कर रहे हैं बॉस, आप पढ़ने का काम कर रहे हैं. मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं किसको पढ़ा रहा हूँ, मैं किसको पढ़ा रहा हूँ, तो जिसको पढ़ा रहा हूँ वही हमारा ऑब्जेक्ट हुआ. मैं क्या कर रहा हूँ आपको, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ. तो यहाँ पे टीचिंग क्या हुआ हमारा वर्ब, और ये यू क्या हुआ हमारा ऑब्जेक्ट. अब ये क्या हुई बातें, ये तो गल्ला करने वाली बातें हैं. तो बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए, क्योंकि मैं इसकी गल्ला अगले क्लास में करने वाला हूँ. तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू.